हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस आ गया हूँ और थोड़ी मुश्किल तो हुई यार मेरे को इसको ढूंढने में, मुझे पता नहीं था। और कमेंट्स में भी तुम लोगों ने कुछ स्ट्रेंथ की बात करी थी कि स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़े कहीं पे, तो बस वही ढूंढ रहा था कि बोल्डर्स कहाँ पे है। तुम लोग सिटी का नाम शायद कम लोगों ने बताया था कमेंट्स में, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, पर खैर फिर भी बहुत मदद मिली। थैंक्स यार जिसने भी बताया था स्ट्रेंथ यूज़ करना है यहाँ पर। तो अपन किसी सिटी के बाहर कोई रूट निकलता है वहाँ पर, कौन सी सिटी है भाई, सही नाम बताऊँगा मैं। अरे कोई फलाना ढिकाना सिटी है, ठीक है, अब क्या फ़र्क पड़ता है। अपन पहले स्ट्रेंथ सिखाते हैं, मैंने किसी को सिखाया नहीं है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये रहा मेरा है, अपन को कहीं से मिला होगा, पता नहीं कहाँ से मिला था मेरे को, कुछ याद रहता तो है नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। ओ स्ट्रेंथ सब सीख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब सीख सकते हैं। ड्रमरी लक्ष्य ग्रेंज, एक ड्रमरी के कौन से मूव्स हैं देख लेता हूँ मैं, दूसरे से मिला ना, स्केरी फेस हटा देता हूँ, ये सही रहेगा। और मेरे को लगता है ड्रमरी को मैं बहुत देर तक रखूँगा अभी, तो फिर ठीक है इसको ही हटा देता हूँ। ओके मैंने उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, अच्छा ठीक है, हाँ सही करा है। ओके अब इसको हटा देता हूँ एंड वी आर फाइन टू गो। चलो ठीक है, ये केव आ गई है, बस बस अब यूज़ नहीं करना। अब इस केव से कुछ होगा मेरे को लगता है, इस केव से अपन कहीं जाएंगे ना, ऐसी कुछ होता होगा। सफारी जोन जा रहे हैं क्या अपन, ये बंदा बोल रहा है सफारी जोन का, मेरे को लग रहा है जा रहे हैं अपन सफारी जोन जा रहे हैं। खैर ग्रेंजा को निकालते हैं जल्दी जल्दी, बैटलें ख़त्म करते हैं ये सारी बकवास सी बैटलें। और तुम लोग को यार लग रहा होगा, देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि क्या चक्कर चल रहा है। देखो मैं टाइमिंग ऑफ कर दी ना बहुत ज़्यादा यार, ये मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही थी तुम में से ज़्यादातर लोगों की, पर अब क्या होगा तुम्हारे स्कूल चालू हो जाएंगे तो सुबह तो मैं डालने नहीं वाला क्योंकि सुबह फिर ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम लोग देखेंगे। तुम लोग स्कूल जाओगे जाहिर सी बात है, पहले दिन तो फिर भी गए नहीं थे काफ़ी लोग, पर कोई बात नहीं अब तो जाना लगोगे तुम लोग, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चेंज कर देना चाहिए। तो मैं भी बस टेस्ट कर रहा हूँ यार, अभी फाइनल नहीं है कोई भी टाइम, अभी तो सब टेस्ट चल रहा है अभी तो यहाँ पे। तो कल मैंने डाली थी 2:15 पे वीडियो, तो मुझे ये बताओ कि 2:15 वाला टाइम सही है या ये वाला 4:30 वाला टाइम सही है। या मुझे 4:30 वाला मुझे लगता है ज़्यादा सही है, तो फर्स्ट वीडियो जो होगी 4:30 पे आ जाएगी। और अगर मैं सेकंड वीडियो डालूंगा जो कि मैं ज़्यादातर डालता ही हूँ पर कभी कभी नहीं भी डाल पाता हूँ, तो फिर वो 6:30 पे आएगी। 6:30 का टाइम तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मुझे लगता है 6:30 का टाइम बेस्ट है यार। काफ़ी लोग हैं 6:30 पे थोड़ा खाली रहते हैं, ज़्यादा कुछ काम करते नहीं है, तो मुझे लगता है 6:30 एकदम बेस्ट टाइम है। इसके पास क्या था, हाँ चलो इसको निकाल लेते, अरे यार मेरे को इसको निकालना नहीं था एक्चुअली। चलो अब निकाल लिया तो निकाल लिया, अब क्या कर सकते हैं। हाँ तो बताओ मुझे तुम्हें कौन सा टाइम ज़्यादा सही लग रहा है, एक सेकेंड, 2:15 वाला या फिर 4:30 वाला, जानना पड़ेगा। तो क्योंकि तुम लोग ही तो देखते हो वीडियो भाई, मैं खुद की वीडियो तो देखूंगा नहीं, तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी मैं तो कभी भी डाल दूंगा, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स तो नहीं, वोट्स वोटिंग तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, पर कमेंट्स में जो मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम दिखेगा उसी पे डाल दिया करूँगा मैं। और तुम लोग देख लिया करना तो तुमको पता चल जाएगा। वैसे मुझे लगता है 2:15 से पहले सब लोग घर पे आ जाते होंगे यार, जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था, मुझे 3 बज जाते थे क्योंकि मेरा स्कूल कुछ ज़्यादा ही दूर था, पर ऐसे सबके साथ तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे सबके साथ तो नहीं होगा। तो 2:15 तक आ जाएगी, नहीं भी अगर तुम आए तब तक घर पे तो कोई बात नहीं, बाद में आके देख लेना, उसमें क्या है, ज़रूरी थोड़ा है कि जैसी है वैसी देखना है, ऐसा तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी अभी नोटिस किया अपने सारे मोकन मेल हैं क्या, खैर क्या फ़र्क पड़ता है मेल हों या सारे फीमेल हों, क्या फ़र्क पड़ता है, पर फिर भी ओके। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है नहीं कर रखा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है बैटल, कर रखा होगा थोड़ा ऐसी मुझे लग रहा होगा। ओके हाँ मैंने कर रखा था, हाँ मैंने कर रखा था। चलो ठीक है, ट्रेनर्स तो यहाँ पे काफ़ी हैं। और अगर तुम अल्ट्रासाउंड देखते हो ना, तो मैंने उसमें बोला था कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, चलो रिजल्ट मार लेते हैं तब तक, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं क्या होगा। खुद को ही मारने लग गया मैं तो, नहीं भाई चेंज करो चेंज करो चेंज करो। हाँ अगर तुम अल्ट्रासाउंड वाली वीडियोस देखते हो ना, तो मैंने उसमें बोला था यार ये अभी तक मेगा एवॉल्व्ड ही है, नहीं मेरे को लग रहा था इसका चेहरा ऐसा लग रहा था मेगा एवॉल्व्ड है। हाँ अरे इसके एंटीना थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा लग रहा था ना, मेरे को भी लग रहा था। और इसका जो कलर है ना ब्लू वाला और डार्क हो जाता है, और रेड वाला भी डार्क हो जाता है, ये है गार्चॉम। ड्रैगन टाइप मूव किसके पास था, ग्रेटिना के पास था क्या, किसी के पास तो था यार, ऐसा मेरे को याद आ रहा है
एक बार ग्रेटिना को तो निकाल ही लेता हूँ, क्या पता इसके पास हो। हाँ ड्रैगन क्लो है ना यार इसके पास, कैसी बात कर रहा हूँ। इतना ड्रैगन क्लो इसका मैंने इतना यूज़ करा फिर भी भूल गया मैं, लाना था खुद पर यार मुझे। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कौन सा पोकेमॉन आ गया अब? लक्सरे को निकालो भैया। राइड ऑन, गलत पोकेमॉन निकाल लिया मैंने। और मूव भी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ यार। चलो उसको निकालते हैं अपन, क्या नाम है इसका, ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा ये तो बर्न्ड है बंदा। अरे अरे गया, मर गया ये तो, गया भाई गया। अब ना होना इससे, वैसे हो भी सकता है। अरे वाह ग्रेनिंजा है अपना पुत्र कमालदा। अभी ऊपर नहीं जा रहे अभी अपन, ये देखते हैं इसमें क्या है। मेटल कोट, ओहो हो, किसी को इवॉल्व करना है नहीं करना है? कर देंगे कर देंगे, मिल जाएगा तो कर देंगे, नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। फिलहाल तो हील करो और चलते बनो। इसको भी कर देते हैं। अगर नश जो इस टाइम पे आ गई ना दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। बर्न हील है मेरे पास, बर्न हील है ना मेरे पास। क्या यार कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है ओके। यहाँ पर कुछ है? हाँ यहाँ पर राइड ऑन घूम रहा है, बात कर लेते हैं इससे भी। हाँ बैटल तो इसको करनी थी, ऐसे घूमेगा तो। स्वीकून, अरे भाई मेरा फेवरेट लेजेंडरी है यार, पता है मेरा फेवरेट लेजेंडरी डियाल्गा है, पर उन तीनों में से रायकू, स्वीकून और क्या एंटाई, उन तीनों में से ये मेरे को फेवरेट लगता है। देखते हैं भाई कुछ कर पाए तो। वैसे तो इससे मेरे को लगता है पकड़ में आ जाना चाहिए ये। हाँ मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा इसको, अगर मैंने बेवकूफ़ी कोई नहीं करी तो। और मुझे नहीं लगता यार कि पोकेबॉल से पकड़ में आएगा, पर एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आएगा ये, और बाल बाल बचा मैं फाइट करने से। अल्ट्रा बॉल यूज़ करते हैं डायरेक्ट यार, अब कोई चांस ही नहीं कि ऐसे पकड़ में आए। अल्ट्रा बॉल से भी कौन सा पकड़ में आ रहा है वैसे, पर फिर भी ट्राई करना अपन छोड़ेंगे क्योंकि मैं है ढीठ इंसान। मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ होने वाला है, और इसकी हेल्थ थोड़ी और कम हो जाती नहीं तो और अच्छा रहता। मेरे पास इसकी स्टेटस इफेक्ट टाइप का मूव है क्या? सकर पंच नहीं, किसी के पास स्टेटस इफेक्ट टाइप का मूव था क्या यार? ड्रम्बरी के पास तो नहीं था, ग्रेंजा के पास भी नहीं था, इन्फनेप के पास भी नहीं था, ग्रेटिना के पास शायद से हो सकता है, शायद से, जहाँ तक मुझे लगता है कि है शायद से कुछ। डेस्टिनी मॉन्डी है ना, डेस्टिनी मॉन्ड कुछ करता है ना, पता नहीं क्या करता है। भाई मरेगा ये, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मरने वाला है भाई ये स्वीकून। नहीं पकड़ में आया तो नहीं पकड़ में भाई, चलो दो बार तो हिला था वैसे, थोड़ी बहुत संतुष्टि तो हुई। अब नहीं भी पकड़ में आया तो तुम ज़्यादा गुस्सा मत होना ठीक है, इसी से काम चला लेना। नहीं पकड़ में आ रहा यार, और मैं अब अल्ट्रा बॉल वेस्ट नहीं करने वाला, मैं रन कर रहा हूँ। और ये तो मैंने और भी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, ऐसे तो उसको मार ही देता मैं, पर जहाँ तक मेरी बारी है तो फिर मैं तो बेवकूफ़ी में राजा हूँ। अच्छा अपन यहाँ से निकले हैं क्या, रूट 7 में यहाँ पर आ चुका हूँ क्या पहले? हो सकता है कहीं से आया हूँ घूम फिर के, हो सकता है ऐसा, लग तो नहीं रहा वैसे। पोकेमॉन तो ज़रूर निकलेंगे अंदर से, फिर वो सीड। चलो निकलते हैं यहाँ से अपन, वैसे अपन को केव में और अंदर ड्वेल करना था। अरे ये तो ऐश है भाई, बू सरप्राइज, फ्यू डोंट जंप आउट लाइक दैट, यू मेड मी स्केर्ड। हाँ ठीक है ओके, क्या अब बैटल वैटल करनी है क्या? थोड़ा बहुत हील कर दे यार। हाँ ओके ठीक है, ये रेड वो ऐश इस मामले में अच्छा है, रेड तो पागल कहीं पागल है यार सही में, एकदम ही बैटल चालू कर दिया यार। चलो भाई बैटल करते हैं, ऐसे आराम आराम से बैटल करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। वैसे अभी ही चिंता की बात है, अभी है चिंता की बात। अभी क्या करें अपन, स्पिरिट शैकल यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। पता नहीं क्यों नहीं यूज़ कर रहा था भाई, डेसिड्यू घोस्ट टाइप भी तो है ये बात। चलो अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? लाइकन रॉक, अरे अरे लाइकन रॉक आ रहा है तो फिर ग्रेनिंजा को निकाल लो या ऐश को हरा के रहेंगे अपन। वाटर शेरिकन यूज़ नहीं करना था मेरे को यार, मेरे को सर्फ यूज़ करना था, सर्फ यूज़ करेंगे अपन। वो ये तो ऑलमोस्ट गया यार ग्रेनिंजा तो, पर कोई बात नहीं, डेलकैटी भी है इसके पास। अरे भाई क्या क्या लेके घूम रहा है तू, मेरे को तो लगा तेरे पास कुछ अच्छे पोकेमॉन होंगे। कोई बात नहीं, डेलकैटी भी अच्छी पोकेमॉन है, उसमें क्या है, पर बचेगी नहीं। ये ले मैक पंच, ओ बच गई, कोई बात नहीं अब नहीं बचेगी। ये मुझे ऐसे लगा था बच जाएगी पर नहीं बची, ये भी ना कुछ बात। थंडरस, ओ हो इतना ज़्यादा धमाल। ये किसके पास था, इसके पास था ना ये रॉक स्मैश, ऐसे कुछ करता है इसके पास। अरे रॉक स्मैश तो फाइटिंग टाइप है यार, फालतू में निकाल दिया, नाम में रॉक स्मैश है पर है फाइटिंग टाइप।
नहीं, गलत बंदा निकाल दिया यार मैंने, गलत बंदा निकाला है, ड्रमरी को निकालो भाई इस मामले में। तो इसका पोकेमोन देखो लेवल 47 का है, फिर भी अपन ने काफ़ी ट्रेनिंग करके सही करा है। और अगर तुमने ट्रेनिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके सेकंड चैनल पे, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हुई गवा, ये तो ना होना था। वेराटीना कुछ कर सकता है शायद से अपने ड्रैगन क्लॉ से, ऐसी तैसी कर देना इसकी। अरे यार ये, अरे बाप रे यार, अब थोड़ा सीरियस खेलते हैं यार सही में। अब गए अपन काम से, लग ही रहा था गए अपन काम से। इसका थंडरस बहुत ताकतवर है यार, इन्फानिम को निकालें एक बार, ट्राई करते हैं मार्क पंच ही ट्राई कर लेते हैं। अरे यार नहीं भाई, नहीं 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 यार नहीं, अरे नहीं यार, ऐसा क्यों लग रहा है अपन गए काम से? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास रिवाइव नहीं हुई ना, तो मैं सही में गया काम से यार, मेरे पास रिवाइव होनी चाहिए। रिवाइव 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 भाई, हाँ है भाई मेरे पास कम से कम 6 रिवाइव तो हैं कम से कम। ड्रमरी को पहले तो रिस्टोर करो यार, चलो इस पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चलो ये ठीक बात है ही। और बाइट यूज़ करते हैं अपन, जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिक टाइप से बचते हैं अपन, ठीक है। ये मार सकता है वैसे यार, अरे नहीं मार सकता, अगर अपन स्पीड अपनी स्पीड ज़्यादा होती ना थंडरस से तो अपन मार देते इसको। किसी एक और पोकन का बल्लेदान देना पड़ेगा अपन को, इसका दे देते हैं चलो, क्योंकि अपन को इसको पूरा हील करना है। ठीक है मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्या, सुपर पोशन है मेरे पास, हाँ सुपर पोशन इस्तेमाल करेंगे अपन। सुपर पोशन से फुल हो जाएगा, वन नहीं होगा। नहीं यार हाइपर पोशन से यूज़ कर लेता हूँ। हाइपर पोशन कहाँ है मेरे पास, था मैक्स पोशन तो है मेरे पास, चलो मैक्स एक ही है पर मैक्स पोशन यार, नहीं यार ऐसे नहीं वेस्ट कर रहे हैं, कभी सही टाइम पे यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो हाइपर पोशन ही इस्तेमाल कर लो। और ये तो गया बंदा काम से, तो लग ही रहा था। इसके पास तो यार और भी पोकेमोन होंगे यार, अभी यही तो थोड़ी ना होगा, इसके पास तो अभी और भी होंगे यार। चलो पहले जी पावर यूज़ करो, और फिर क्या ड्रैगन ब्रेथ यूज़ करें भाई, बच जा यार तू, मरना मत। अरे भाई फिर भी बहुत डैमेज हो रहा है, ओ सही है यार, कम से कम ये तो गया काम से। अब मैं देख लूँगा, गेंगार आ रहा है गेंगार, चलो गेंगार के लिए भी इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो मैं डेसीड्यू को करता, सॉरी डेसीड्यू को नहीं, मैं तो वैसे मतलब उसको निकाल लेता लक्सरे को, पर कोई बात नहीं फ्लाई यूज़ कर लेते हैं अपन, कम से कम एक मूव से तो बचेंगे। फ्लेयर ब्लिट्स, अरे भाई बहुत अच्छे मूव से बच गए, और भाई अच्छा खासा डैमेज करा है इसको यार अपन ने, और मर भी गया ये, बर्न कर दिया था क्या अपन ने इसको। चलो क्रंच तो सीख रहा है बंदा, इसको भी एक ड्रैग मतलब ये वाली ये वाला मूव सिखा देता हूँ, डार्क टाइप मूव, काश सिखा पाता यार, इसके पास कोई अच्छे ढंग के मूव्स नहीं है ना। रहने दो भाई क्रंच रहने दो, अगर अगर बाय चांस, एक सेकेंड ये हार क्या, मेरे को लगा इसका एक दो पोकन और होंगे। चलो ठीक है 10,000 रुपये मिले यार, कितना अमीर है। बाय चांस अगर लक्ष्य सीखेगा तो उसको जरूर सिखा दूंगा क्रंच में। आई बीट यू नेक्स्ट टाइम, ब्रिंग इट ऑन, सी यू अगेन, आई एम गोइंग टू द इंसेस्टर सिटी फॉर द 6 जिम बैज। ओके ठीक है, तो यहाँ से ही है क्या सिटी, मेरे को मतलब केव पूरी घूमने की ज़रूरत नहीं थी क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है ऐसा है, पर फिर भी कोई बात नहीं। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं वहाँ पर वापस जाऊँगा। जैक्रोम आया है भाई, फिर से जैक्रोम आया है, मेरे को नहीं लगता कोई पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए इसको, क्योंकि यार मेरे पोकेमॉन की हालत वैसी बेकार हो रही है। सॉरी यार मैं पकड़ नहीं रहा जैक्रोम को, यहाँ से सर्व करते हुए जाना है शायद अपन लोग को। अरे यार इसने अभी पकड़ लिया यार मेरे को, गलत हुआ। हाँ चलो कम से कम अपन इसे फास्ट तो थे, और क्रिटिकल हिट था, पता नहीं क्रिटिकल हिट नहीं होता तो क्या होता अपना, मरी जाते यार। ग्रबिन ग्रबिन, मेरे पास कोई ढंग का पोकन बचा है, हाँ ड्रमरी बचा है यार ढंग का, क्या सारे पोकन अच्छे हैं यार अपने, ऐसा क्या बोल रहा हूँ मैं। फ्लाई ये बग टाइप है, कुछ तो इफेक्ट करेगा। अरे यार क्या यार, अभी इस टाइम पे मिस हो रहा है यार अटैक, एक तो पूरा एक एक चांस मिस हो जाती है। हाँ चलो ठीक है अच्छी बात है। अरे यार ड्रमरी तो गया काम से, पर कोई बात नहीं, इसका बस एक ही पोकेमॉन बचा। ग्रेंजा संभाल पाएगा क्या यार, नहीं नहीं संभाल पाएगा यार, रेजिया इसको तो खास करके नहीं संभाल पाएगा, तो मेरे को एक बार इन्फानेब को ही वापस से जिंदा करना पड़ेगा। अब ठीक है आधी हेल्थ बहुत होनी चाहिए यार, मैं अब एक और मूव वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। चलो रॉक स्मैश यूज़ कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है कुछ तो करा ही बंदे ना, अच्छी बात है ना।
अब भाई निकालते हैं इन्फरनेब, कोई तो एक ही बार में निकाल देगा इसको, कोई शक ही नहीं है यार, कोई शक नहीं है। चलो काम खत्म। अब यहाँ पे यार कोई जिम वो मिल जाए, जिम नहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे कोई हीलिंग करने वाला बंदा मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार सही में। अब यार कोई ट्रेनर ना मिले यार फिलहाल के लिए। नहीं, मेरे को ट्रेन नहीं करना अभी। और ये गोल्ड, चलो इसका तो कोई नहीं है, इसे तो मैं फिर भी भाग जाऊंगा। लो भाई ट्रेनर का है भाई, एक मिनट रुक जाओ मैं ऐसे निकलता हूँ। एक मिनट, पहले तो टर्बो बंद करो और ऐसे निकलो बस। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। चलो फ्लोमोला टाउन, ये उस इस टाउन की तो नहीं बोल रहा था वो, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर यार कम से कम कोई पोकेमॉन सेंटर तो होना ही चाहिए। ये क्या अजीब सी लड़की है। हाय यंग मैन, आई एम कैप्टन ऑफ फैटियल शिप, इफ़ यू हैव अ टिकट व्हील डिपार्ट। नहीं मेरे पास टिकट तो नहीं है, पर यहाँ पर कोई हील करता है आपके नज़र में? कोई है बंदा ऐसा जो हील कर देगा मुझे और मेरे पोकेमॉन को खास करके? अंकल जी आप करेंगे? नहीं, फिशरमैन का आइलैंड है। अच्छा तो फिर तो यहाँ पे होगी नहीं यार कोई नर्स जो है। सही है यार, इस बंदे ने पहली हिंट दे दी, पर क्या पता कोई अपना दुलारा बंदा हो जो कि अपने घर में सोने को एक रात दे दे। तू है क्या ऐसा कोई? नहीं, तू जानता है किसी को? नहीं, कोई बात नहीं अपन इस घर में जाके देख लेते हैं। नहीं हुआ है इस घर में कोई भी? नहीं है यार इस घर में कोई भी। एक मिनट, अपन खुद सो सकते हैं क्या किसी के बेड पे? नहीं लगता तो नहीं है यार, देखने से लगता तो नहीं है। चलो खैर, मतलब मैंने एंटर दबा के देखा था, उस बेड के पास में कुछ हुआ नहीं। फिर तो अपन कहाँ जाएं यार, मेरे को अभी पास तो मिला नहीं है। ठीक है, इस लड़की से बैटल करूँगा तो सही, मैं भी करना चाहता हूँ बैटल इससे। अरे यार नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहता मैं बैटल यार इससे। अबे यार मेरे सारे रिवाइव्स खत्म हो जाएंगे यार, चार ही बचे हैं बस। क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये पागल हो गया मैं, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। इसके पास तीन पोकेमॉन थे ना या एक ही था, जितने भी थे भाई। अरे यार ये क्या बकवास है यार, अपन हार सकते हैं भाई, मैं पहली बता रहा हूँ। अब दुखी मत होना, अपन हार सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मैं ट्राई करूँगा इसको मारने की। चलो मार दिया, वो एक तो गया यार कम से कम। वाह यार मेरे को पता नहीं था चला जाएगा। वल्पिक्स, इस पर भी क्लोज कॉम्बैट ट्राई करें। ओ ये भी चला, ओ हो यार इन्फर्नेब तो ऑन फायर है यार, वो सही में एक्चुअली ऑन फायर है, उसके तो सिर में आग लगी रहती पूरे टाइम। मैग्नेमाइट नहीं, इस पर क्लोज कॉम्बैट काम नहीं करेगा, पर फ्लेम व्हील जरूर काम करेगा, इतना तो पक्का है। ओहो ऑलमोस्ट डेड थे यार अपन, चलो जीत गए यार, फिर भी जीत गए अपन यार। देखा इन्फर्नेब का कमाल देखो तुम, इन्फर्नेब की ताकत है यार ये, और कुछ नहीं। मेरी वेरी ताकत कुछ नहीं, इन्फर्नेब की ताकत। यार यहाँ से कुछ तो मिल जाए यार जिससे मैं हील कर सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से मैंने कुछ मिस कर दिया है, मतलब। हाँ यार मेरे को सही में झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ था भाई, कैसे कैसे छुपा के रखते हैं मेगा स्टोन ये लोग, सही में कैसे छुपा के रखते हैं यार पागल लोग भाई। फूल के अंदर छुपा के रखा था, कभी कभी तो फूल ही लगता है मेगा स्टोन। स्वब्लू, ओहो हो, अरे यार मेरे को पकड़ना है, मेरे को पकड़ना चाहिए था इसको, मेरे पास अल्टारिया नाइट है यार, पर अब नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा बाद में भी मिल जाएगी। अल्टारिया नाइट है यार मेरे पास, मैं इसको बढ़िया मेगा अल्टारिया बनाता। और मेगा अल्टारिया क्या मस्त लगती है, तुमने अगर नहीं देखी तो तुम जाके देखो गूगल पे, बहुत ही मस्त भाई, बहुत ही मस्त। अब यहाँ पर प्लीज़ कोई हील कर दो मुझे यार, बहुत बहुत कृपा होगी आपकी जो भी करेगा। उससे पहले मैं रिपेल कर लूँ थोड़ा सा, रिपेल। अच्छा इसमें होगा ना, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सुपर रिपेल। ऐसे तो एक ही बची है बस मेरे पास यार, पर फिर भी चलो चलते हैं देखते हैं। अरे यहाँ से रास्ता है तो सही, अरे यहाँ से रास्ता है तो सही भाई। अपन कहाँ घूम रहे थे, कहाँ भटक रहे थे अपन, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा यहाँ से तो अपन आए थे, अच्छा ठीक है ठीक है। अपन को यहाँ पर जाना है और कहाँ पर पहुँच जाएंगे अपन, कहीं और पहुँच जाएंगे अपन क्या? बाप रे ये कौन सी जगह है भाई। एक तो देखो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे मेगा स्टोन पड़ा है, मेटाग्रोस साइट। अरे मेटाग्रोस का मिल गया भाई, मेटाग्रोस तो मेरे पास है नहीं, मेटाग्रोस पर पकड़ लूँगा, मेरे पास है शायद से ओल्ड एम्बर। ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई फॉसिल है क्या? देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई फॉसिल है, हो भी सकता है। अ पीस ऑफ एम्बर दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन एंशिएंट पोकेमॉन,
इट इज़ क्लियर विद अ रेडिश टिंट। अरे अरे अरे, मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में है नहीं, मतलब जो अपन सोच रहे हैं वो नहीं है। पर अपन टिकट कहाँ से लाएं यार? अब मेरे को मतलब समझ में आ रहा है कि अपन को उस शिप से जाना है, पर अपन टिकट लाए कहाँ से? वो टिकट मांग रही है ना, टिकट तो चाहिए अपन को कहीं से, और टिकट कौन देगा अपन को? ऐश तो देखे गया नहीं, तू देगा? नहीं ये नहीं देगा, इसके पास तो पैसे ही नहीं है इतने। क्या करें, वापस चलें? वहीं पर चलें वापस, घूम फिर के वहीं पर जाना पड़ेगा वापस से अपन को। अरे यार इसमें, यार इस गेम में यही है यार, अगर सिटीज़ का नाम ये लोग एक बार लिख देते ना मैप में तो बहुत हेल्प हो जाती, पर इन लोगों ने लिखा नहीं, इतना आलस कर दिया इन्होंने। आलस किया या मतलब क्या करा, पर मेरे को तो आलस ही लगता है, क्या बोलूँ अब मैं, मेरे को तो आलस ही लग रहा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं फालतू में उधर जा रहा हूँ मैं। हाँ अब यार कोई तो देगा टिकट, क्या क्या ये कुछ बोल रहा है, माई डैड इज़ फिशिंग ऑन रूट 11। तो मैं क्या करूँ भाई, क्या नहीं क्या, क्या करूँ क्या मैं बता तू मेरे को? ओके वाटर इज ड्राई डीप ब्लू, व्हाट डू वांट टू सर्व? हाँ सर्व करके भी जा सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल सर्व करूँगा यार। और आज मैंने पोकेमॉन को क्यों नहीं निकाला, सर्व की वजह से। फिर से यार यही बग, यार फिर से यही बग, क्या यार फिर से यही बग हो रहा है यार। भाई मेरे को नफरत हो गई यार अब इससे, मेरे को ये बग परेशान करने लगा यार अब यार, बार बार यही बग हो रहा है, बार 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 बार। भाई फिक्स करो यार इसको, कब फिक्स करोगे अर्मेल्डो? अर्मेल्डो अर्मेल्डो भाई, ये पोकेमॉन पता है इससे ही पूरा स्पेस बनाया पोकेमॉन के हिसाब से, मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड में इससे ही पूरा स्पेस बनाया। ये रूट 11 है क्या? अरे रूट 11 है तो उस हाँ उस लड़के का पापा यहीं पर फिशिंग कर रहा है पर अपन फिशिंग नहीं करना चाहते इनके साथ, मतलब बैटल नहीं करना चाहते। फिशिंग तो मैं वैसे भी नहीं करता, एक बार करी मैंने, एक भी बार नहीं करी यार, एक एक बार क्या, एक भी बार नहीं करी मैंने तो, हाँ एक भी बार नहीं करी है, मतलब बैटलिंग की बात कर रहा था मैं, बैटल नहीं करना चाहता। एक्सेलगॉर, एक्सेलगॉर अगर तुम नहीं जानते ना तो बहुत ही शाय पोकेमॉन होता है, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है। मैं एक गेम खेल रहा था जिसका नाम है डिटेक्टिव पिकाचू, काफ़ी लोग समझते हैं कि वो मूवी है, नहीं भाई मूवी नहीं है, 3 घंटे मतलब कुछ लोगों ने उसको पता है एक, ओ नहीं 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 बैटल नहीं करनी, बैटल नहीं कर, बच गया भाई बच गया, बुरा बचाऊँ यार मैं इस बार, सही में बुरा बचाऊँ यार, अभी बैटल करनी पड़ती है उससे, अभी बैटल करूँगा पर अभी नहीं यार, अभी फ़िलहाल मैं मूड में नहीं हूँ बैटल करने के। फिर भी मेरे को लग रहा है कि अपन सही रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ इंसेस्टर सिटी, भाई सही रास्ते पर आ गए यार अपन। हाँ तो 3 घंटे की पिक्चर नहीं है यार वो, तुम अगर सोचते हो ना कि 3 घंटे की पिक्चर नहीं यार, ऐसा नहीं है, किसी ने बस गेम प्ले अपलोड करके डाल दिया 3 घंटे का बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या मेला लगा हुआ है, और यहाँ पे तो ऐश भी दिख रहा है मेरे को। हाँ अरे तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो क्या? देखो ऐश अपने पिकाचू के साथ बैटल कर रहा है, ये तो टीम प्राइम है ना, पर ये क्या चल रहा है भाई, ये मतलब चल क्या रहा है, टीम प्राइम के बंदे बैटल कर रहे हैं, तेरे को कुछ पता है क्या? इम्प्रेसिव, ही फाइटिंग विद 6 अपोनेंट्स, बाप रे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 पोकेमॉन है यार यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 अच्छा ओपोनेंट्स 6 हैं, पोकेमॉन 7 हैं, पोकेमॉन 7 कैसे हो सकते हैं पता नहीं क्यों। ऐश भाई फिर भी 6 लोगों के साथ एक साथ बैटल कर रहा है, बोलो काश ऐसा एनिमे में भी होता, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतना एनिमे में उसको इतना दिमाग दिया नहीं है जितना इसको गेम में दे दिया है, और फैन मेड गेम है, फैंस बिल्कुल चाहते हैं कि ऐश कैसे इतना दिमाग हो, पर बुरा मत मानना अभी नहीं है। पर हाँ मेरे को मेटाक्रॉस देखना, मेरे पास है कि नहीं है, वैसे मेरे को लगता नहीं मेरे पास है, शायद मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ किसी और गेम से पक्का, पर फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। मेटाग्रोस नहीं मेरे पास नहीं है मेटाग्रोस, इंस्टोर निकालूँ क्या, मज़ा आएगा इंस्टोर के साथ, और पिकाचू भी है मेरे पास, वाह यार पिकाचू कब मिला मेरे को। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अभी तो मैं वैसे कोई स्विच आउट कर नहीं रहा हूँ यार, वरना अभी पोकेमॉन को ट्रेन किया यार फिर से, अब मैं किसी और पोकेमॉन को भी साथ में ट्रेन नहीं करना चाहता हूँ, फालतू का एक्सपीरियंस वेस्ट होता है यार दूसरे पोकेमॉन पे बस, और कुछ नहीं होता है फिलहाल के लिए। तो अपन यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा बहुत माल वाल खरीदते हैं यार, अपन बस बहुत कम बचा है सामान,
वो खरीदते हैं। सुपर पोर्शन मेरे पास बहुत कम बचे हैं, पैसे ही बहुत कम है वैसे तो, पर फिर भी खरीदना तो पड़ेगा ही, सामान तो ज़रूरी है। बस रिवाइव अभी के लिए इतनी बहुत है, और मैं कम ही ट्राई मतलब कम ही यूज़ करूँगा यार, ट्राई करूँगा कम ही यूज़ करूँ मैं। अरे हाँ, एक चीज़ करते हैं ना अपन, सेल करते हैं जो कि मेरे को लगता नहीं कि मैं मेगा स्टोन्स यूज़ करूँगा, उनको सेल कर देते हैं। जैसे कि लोपनी, मतलब मेरे को अगर लोपनी मिल भी गई ना, तो पहली बात तो पकड़ूंगा नहीं मैं उसको, और मैं उसके ऊपर यूज़ भी नहीं करूँगा, तो गैरेडोस का तो नहीं बेचूँगा मैं। काफ़ी पैसे मिल गए होंगे वैसे, कितने पैसे मिलेंगे? बेच नहीं रहा हूँ 15,000 रुपये, बाप रे। एग्रोनाइट नहीं बेचूंगा, गर्जमपाइट तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, अल्टारिया नाइट है मेरे पास, मैंने बोला था ना, लैटियोस का भी है मेरे पास, एप्सोल का भी नहीं बेच रहा यार, मैनेक्टाइट मैं नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। चार्जर्ड एक्स नहीं, गेंगार को यूज़ कर सकता हूँ, पिजियोटाइट इसको भी मेरे को नहीं लगता मैं यूज़ करूँगा भी तो मैं खरीद लूँगा बाद में यार, चिंता मत करो। बैनेटाइट को तो मैं कतई यूज़ नहीं करने वाला, ब्लैक वाइट नहीं, चलो ठीक है। अब अपने पास काफ़ी पैसे होने चाहिए ना, देखते हैं थोड़ा और सामान खरीदते हैं। हाँ अभी मतलब काफ़ी पैसे हो गए अपने पास, थोड़ी बहुत ये खरीद लेता हूँ बस यार, पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा यार मैं, वैसे ही पैसे कम हो जाते हैं अपने आप ही। अब थोड़ा और सामान खरीदूँगा फिर से उतने ही हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं खरीदने से। अब भाई पोकेमोन आराम से चल लो यार, तुम रास्ते में आ रहे हो एकदम, बंदे के सामान खरीदने आया बंदा, तुम उसके रास्ते में आ रहे हो, ठीक है। सामान वामान तो मैंने खरीद लिया, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा मस्ती मारते हैं, उसके बाद अपन अगले एपिसोड में जिम में जाएंगे और जिम लीडर को हराएंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है ये। ओके कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना घर तुम ही जानो, और तुमने लॉक नहीं लगाया घर का ये भी तुम जान लो। यहाँ पर कम से कम कोई है, अरे ग्रेंजा देखभाल कर रहा है लगता है घर की। अरे आई लव कॉस्प्ले एज ग्रेंजा, इज माई फेवरेट पोकेमोन। अरे यार क्या यार, ग्रेंजा बन के घूम रहा था बंदा, बस और कुछ नहीं था। यहाँ पर भी कुछ घर हैं, बहुत घर हैं सिटी में। ओ हो, वेलकम टू अ क्लब, द बग कैचिंग क्लब, हियर इज अ लिटिल गिफ्ट, यू डोंट हैव स्पेस फॉर इट। इसका मतलब क्या ये है कि तू मुझे कोई पोकेमोन देने वाला है, अगर कुछ ऐसा है तो फिर मैं पक्के से खाली करके आता हूँ एक स्पेस, जल्दी से आता हूँ। और बग टाइप ही देता वैसे तो, ये कोई बकवास सा बग टाइप मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगता है, सॉरी अगर किसी को बग टाइप्स बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे कुछ ही बग टाइप्स अच्छे लगते हैं, जैसे हेराक्रॉस अच्छा लगता है मेरे को, बहुत कम अच्छे लगते हैं यार। पिंसर भी मेरे को, पिंसर का तो भाई डिज़ाइन ही मेरे को अजीब सा लगता है, डर लगता है पिंसर से मेरे को, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। वैसे कुछ कुछ हैं बग टाइप्स यार जो सही में बहुत ऑसम है, पर कुछ कुछ हैं जो इतने भी कुछ खास नहीं है, ज़्यादातर वैसे एक्चुअली ज़्यादातर बग टाइप्स ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखते हैं ज़रा, फिर भी रैंडमाइज होके कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा यार, शायद से हो सकता है ऐसा, क्या पता जो दे रहा हो उससे भी बेकार मिल जाए, और क्या पता जो दे रहा हो वही मिल जाए, ये बुरा हो जाएगा फिर, कोई बेकार ही दे रहा होगा कुछ, क्या पता हेराक्रॉस दे दे यार, ये अच्छा रहेगा यार, हेराक्रॉस मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। देख लेते हैं फिर भी, इसी घर में था क्या कि ऊपर वाले घर में था? ऊपर वाले में तो नहीं था यार। हाँ ये रहा ना कैंगी, क्या कौन सा पोकेमोन है? अबे बकवास पोकेमोन है भाई, इसका नाम क्या था पर मेरे को ये याद नहीं है। स्पी, इसमें तो इसने इसका नाम स्पी रख रखा है, पर विशी वॉशी है शायद इसका नाम। हाँ विशी वॉशी है इसका नाम, बकवास पोकेमोन। अलोला का पोकेमोन है ये बकवास सा, इसको अपन अंदर डाल देते हैं, अपन को कोई मतलब नहीं इस पोकेमोन से, अपन तो अपने अच्छे से ग्रेंजा को बाहर निकालो यार, क्या है ग्रेंजा के चक्कर, मतलब इसके चक्कर में हम ग्रेंजा को थोड़ा ना बाहर रखेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो स्विच करो, कहाँ है भाई ये रहा, चलो ठीक है। अगर मेरे को पता है इंसिनरेटर को लाना है ना, तो मैं एक बार इन्फरनेम को बाहर रख सकता हूँ, मतलब अंदर रख सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, क्या बोलते हो? 30 लेवल का है यार बंदा, सही यार, इतना बुरा भी नहीं है। मूव्स कौन से हैं इसके पास? मूव्स हैं इसके पास रोर बाइट, इसके पास मूव्स अच्छे नहीं है, पर मैं सिखा दूंगा वो तो, फिलहाल के लिए तो नहीं, पर हाँ मैं इसको ट्रेन कर लूँगा। अभी तो यार इन्फरनेबल ना बहुत हाई लेवल पे है, और पोकेमोन भी यार अब हाई लेवल के आने लगे अपने ओपोनेंट्स के, तो मैं अभी करना नहीं चाहता इसे स्विच। लेडी वह बड़ी घूम रही है यहाँ पे यार, और जिम तो यहीं पे है, चलो ठीक है, ये तो अपन को मिल गया कम से कम। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ खास है क्या जो आप लोग ऐसे खड़े हुए हैं? आई फील डिसअपॉइंटेड देयर एंड मैनी बग टाइप पोकेमोन सफारी जोन। अरे ये सफारी जोन है क्या, जाके देखते हैं ज़रा क्या है सफारी जोन में। वेलकम टू द सफारी जोन, फॉर जस्ट 500 यू कैन प्ले द सफारी गेम। तो मुझे मतलब सफारी बॉल्स मिलेंगी ना, ठीक है ओके, 30 सफारी बॉल्स मिली हैं अपन को, ओके आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक, ओके
अब उनको कितना टाइम मिलता है वैसे यहाँ पर, कितना टाइम मिला है अपन को यहाँ पर, कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि अपन को इतना टाइम मिला है। स्टेप्स, अरे स्टेप्स से होता है क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत बात है। अपन यहीं पे देखो ना फिर, ऐसे स्टेप्स से होता है तो इनके पकड़ो। पोकेमॉन गो खेल रहे हो तुम, ऐसा बात मान लो, बस ऐसे ही मान लो तुम पोकेमॉन गो ही खेल रहे हो। ओ जैप्टॉस यार, पकड़ में आ जाए तो मज़ा आ जाए। बेट फेंकता हूँ पहले तो मैं, ठीक है, फेल फॉर द बेट बॉल, ठीक है। ओ यार ऑलमोस्ट हैड इट पर ही फ्लेड। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन ऐसे हार नहीं मानेंगे। अपन कोई ना कोई पोकेमॉन तो ज़रूर पकड़ के जाएंगे यार यहाँ से। ये भी अच्छा पोकेमॉन है, कोई बुरा नहीं है, पर जाहिर सी बात है मेरे से पकड़ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, बस पकड़ लिया। मतलब यही है कि बेट दे वो भाई, तुम जितनी बेट दे सकते हो ना उतनी बेट दो तुम, सही रहेगा। दिखने में मुझे नहीं करना वैसे, मैं इसको यूज़ भी नहीं करूँगा शुरू में इसको, पर अच्छा पोकेमॉन है भाई, जब इवॉल्व हो जाए तो मज़ा आता है। जैप्टॉस फिर से आ गया, चलो इस बार ट्राई करूँगा पकड़ लूँगा इसको मैं, पकड़ में आ जाए तो सही रहेगा। यार ये तो चला गया बेट लेके, मतलब तुम सोच लो, हो सकता है ना भी पकड़ पाओ, हो सकता है पकड़ भी पाओ। मैंने फिर से गलती से दो बार बेट यूज़ कर ली, पर चलो कोई बात नहीं। ओके नहीं पकड़ में आ रहा है यार ये पिगनाइट, फाइनली फ्लेड। अरे भाई गलत हुआ। सैंडी गैस्ट, बेट करता हूँ इसको पहले तो मैं, मुश्किल ही है यार देखा जाए तो, मुश्किल ही है यार पकड़ना। चलो दो पोकेमॉन वरने पकड़ लिए। सैंडी गैस्ट भी अपन को पकड़ में आ गया, पर फिर भी तुम देख ही सकते हो थोड़ा मुश्किल है पकड़ना यार। थोड़ा मेरे को एक्सप्लोर भी करना था यार एक्चुअली इस एरिया को, पर कैसे करें, थोड़ा कम ही स्टेप्स बचे होंगे अपने पास। ऑशो वाटर, अरे भाई अपना ही बंदा, ये तो अपना ही बंदा आ गया। रॉक फेंकने से मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा आइडिया होगा। ये नहीं, नहीं पकड़ में आ रहा यार ये। अब फ्लैड, अब ये जाएगा मेरे को लगता है, कुछ ही देर में चला जाएगा। चलो इसको एक और बेट दे देता हूँ मैं, अब ट्राई करता हूँ। नहीं, दो बार तो हो गया था, पर ही हैज एस्केप्ड। पता है मेरे को ये पोकन पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अपन ऐसी सफारी जो गेम खेल रहे हैं तो चलो एक बार पकड़ ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कम से कम पोकेडेक्स में तो रजिस्टर हो जाएगा पोकन, पूरा डेटा आ जाएगा, प्रोफेसर ओक की मन की हो जाएगी। चलो ठीक है, तीन पोकन पकड़ लिया अपन ने, काफ़ी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है यार। अब मुझे लगता है यार मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ सफारी गेम खेल के बकवास सा, तो मैं तो जा रहा हूँ यार यहाँ से, क्या क्विट कर रहा हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, ओके कम अगेन, ठीक है मैं पहले सेव कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है यार थोड़ा ग्लिच आउट हो जाता है तो गेम पूरा बंद करके चालू करना पड़ता है, तो पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पर अगर बाई चांस कुछ हो जाए। और वैसे एक्चुअली मैं यहीं पर एंड भी करने वाला हूँ, बाद में देखूंगा कि यहाँ पे क्या चल, एक्चुअली यहीं अभी देख लेता हूँ अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। स्टे अवे दिस पोकेमॉन डेंजरस, ठीक है। व्हाट टीम प्राइम हैजंट बीन, ओ हो हो अभी कुछ हुआ नहीं यार टीम प्राइम का, हे व्हाट्स हैपनिंग, वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं पूछ भी रहा हूँ इन लोगों से, बता दूंगा। स्टे अवे दिस पोकेमॉन डेंजरस, द गेम हैज डिटेक्टिव बैटरी लो, अरे बिल्कुल बैटरी लो। यार पहले पता है मेरे साथ क्या होता, जब मैं वाइट टू खेलता था ना, अगर तुम देखते थे वाई टू जब खेलता था ना, जब जैसे ही वो गेम चालू करता है वैसी बैटरी लो होती थी, वो तो मुझे लोग उसी से पहचानते थे, ठीक है। ओके रेड को अपन को बुलाना पड़ेगा, अब रेड है कहाँ पे यार। पिकाचू रियली यू कांट टर्न माय बिग, नहीं भाई पिकाचू तू मान नहीं रहा, पिकाचू हरा देगा आराम से उसको। ये बोल तो रहा है कि मैं रेड को बुलाऊं, पर रेड मिलेगा कहाँ पे यार मेरे को, ये भी तो है, रेड कहीं से मिलेगा अभी तो सही अपन को, और मिलेगा कहाँ से ये मेरे को नहीं पता। कहाँ से लाऊं बंदे को, इस घर में मैं गया था क्या, शायद नहीं, चले जाते हैं। रेड कहाँ होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ रेड शायद तभी आएगा जब अपन जिम लीडर को हरा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके ठीक है, तो अभी के लिए मैं यही पर एंड करने वाला हूँ। अगर तुम्हें किसी भी रीज़न से एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक मारना यार, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, और लाइक मार दिया करो यार, और बाय, मज़े करो, और मुझे ज़रूर बताना शेड्यूल कैसा लगा तुमको। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, भूल गया बताना, शेड्यूल बताना मुझे कैसा लगा तुमको, कौन सा शेड्यूल तुम्हें सही लगता है। शाम वाली वीडियो को तो मैंने देखो फिक्स कर रखा है 6:30 पर आएगी, बस तुम फर्स्ट वीडियो को बता दो मुझे, 2:15 या फिर मतलब 2:30 या उसके आसपास, या फिर 4:30,
तो मुझे बताओ कमेंट्स में, तुम जो बोलोगी वही होगा, मतलब मेजॉरिटी जो बोलेगी वही होगा एक्चुअली। तो अभी तक लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।